मेरी पग लई गुरसिख बंदा मैं गलत किया हो मैं जान देने तैयार है की धक्का करता लक्ष्मण कॉलोनी गेट बनता किसी छड़ना गया की मजबूर होगी मेरी पग लाने का की मतलब हो जाना मेरी पग लाने का की मतलब हो जाना पंजाब पुलिस के मुलाजम जो अपने महकमे किसी ना किसी कारण करके बदनाम करन ते लगे रहिंदे ने कारण चाहे कोई ऑडियो वायरल होवे जां फिर कोई वीडियो अज भी तुहानू असी पंजाब पुलिस के मुलाजमान की अजिही वीडियो दिखाउण जा रहे हैं जो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है। वीडियो च एक सिख व्यक्ति पुलिस मुलाजमान ते कई वड्डे इल्जाम लगा रहा है। सिख व्यक्ति जिसकी सिर तो दस्तार लत्थी हुई है उसका कहना है कि इन मुलाजमान ने मेरी पग उतार के बेअदबी की है। होर की कहना इस व्यक्ति का तुम आप ही सुन लवो। पग लाई इन्होंने मेरी पग लाई इन्होंने रात न पता नहीं की है मेरी पग लाई है मैं बिना दरसात मेरी पग लाई इन्होंने ठीक है मेरी पग लाई गुरसिख बंदा मैं गलत किया हो मैं जान देने तैयार है की धक्का करता लक्ष्मण कॉलोनी गेट बनता किसी ने छड़ना गया की मजबूर होगी मेरी पग लाने का की मतलब हो जाना मेरी पग लाने का की मतलब हो जाना यह प्रितपाल है कोई मुंडा पंजाब पुलिस का एक अफसर तुम यह गल प्रितपाल है मेरी पग लाने का की मतलब हो बर्फ वाली गली दे गेट ला दे सारे जी कहिंदे 10 बजे तक टाइम है मैं कहा जी तुसीं मेरे घरे आ जाओ कोई मेरे घरों सौ जाओ पर उहदी फैमिली दा फोन आ गया कहिंदे तुसीं घरे छड्ड दो मैं छड्ड जाने जी ते जो छड्डन गए सानू पंजाब पुलिस दे कोई कर्मचारी चार एक प्रितपाल सी है कोई प्रितपाल ता एक एसएचओ दा दा ड्राइवर साहब है ओने एक प्रित होर सी जी कोई ओने रोह रू मार के मेरी पग लाती जी आ मेनू बहुत रो रही है मेरी मैं मर जाऊं सारे बस मेनू नहीं पता है मेरे तो सार दा सावल ओने मेरे पग पग क्यों लई पई बस बह गई जी मेनू इहड़ गल ई थोड़ा गल ई यो के जी रब पेशर पति बड़ी बती कि मेरा बच्चा भी नाल सी गई थोड़ा गल वीडियो च समा रात का है अते पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है क्योंकि कोरोना के कारण रात के समय करफ्यू का ऐलान किया होया है जिसके कारण पुलिस वालों भी पूरी सख्ती की गई है ता जो इस महामारी तो लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल इस सिख व्यक्ति की दस्तार लाने के मामले की असल सच्चाई की है इसका पता तो पूरी जांच तो बाद ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन पे क्लिक करो।